अमीरी की राह अमीरी दिमाग से जुड़ी होती है। आइए एक पल के लिए मान लेते हैं कि किसी डॉक्टर का डिप्लोमा चोरी हो जाता है, उसके ऑफिस की सारी मशीनें भी चोरी हो जाती हैं। मुझे यकीन है आप इस बात से सहमत होंगे कि उसकी दौलत उसके दिमाग में है। वो अब भी अपना काम कर सकता है, रोगों का निदान कर सकता है, दवाएं लिख सकता है, ऑपरेशन कर सकता है और चिकित्सा संबंधी व्याख्यान दे सकता है। सिर्फ उसके प्रतीक चोरी हुए थे। मशीनें तो वो हमेशा ले सकता है। उसकी अमीरी उसकी मानसिक क्षमता, दूसरों की मदद करने वाले उसके ज्ञान और मानवता को योगदान देने की उसकी काबिलियत में थी। जब आपके मन में मानवता के हित में योगदान देने की प्रबल इच्छा होती है तो आप हमेशा दौलतमंद होंगे। सेवा यानी संसार को अपने गुणों से लाभ पहुंचाने की आपकी आकांक्षा पर सृष्टि हमेशा प्रतिक्रिया करेगी। मैं 1929 के आर्थिक संकट के दौरान न्यूयॉर्क के एक व्यक्ति को जानता था जिसने अपने आसपास की हर चीज गंवा दी, जिसमें उसका मकान और जीवन भर की बचत भी शामिल थी। मैं उससे एक व्याख्यान के बाद मिला जो मैंने उस शहर के एक होटल में दिया था। उसने कहा, मैंने हर चीज गंवा दी है। मैंने 4 साल में $1 मिलियन कमाए थे। मैं इतनी राशि दोबारा कमा लूंगा। जो मैंने गंवाया है वो एक प्रतीक है। मैं दौलत के प्रतीक को उसी तरह दोबारा आकर्षित कर सकता हूं जिस तरह शहद मक्खियों को आकर्षित करता है। मैंने कई साल तक इस आदमी के करियर पर नजर रखी ताकि उसकी सफलता की कुंजी पता लगा सकूं। ये कुंजी आपको अजीब लग सकती है लेकिन ये बहुत पुरानी है। उसने इस कुंजी को जो नाम दिया वो ये था, पानी को सुरा में बदलो। उसने बाइबल का यह हिस्सा पढ़ा और वो जान गया कि यह आदर्श स्वास्थ्य, खुशी, मानसिक शांति और दौलत का जवाब था। बाइबल में सुरा का हमेशा मतलब है आपकी इच्छाओं, आकांक्षाओं, योजनाओं, सपनों, आग्रहों आदि का साकार होना। दूसरे शब्दों में ये वे चीजें हैं जिन्हें आप हासिल करना और साकार करना चाहते हैं। बाइबल में पानी का जिक्र आमतौर पर आपके मन या चेतना के संदर्भ में किया जाता है। पानी को जिस भी पात्र में डाला जाता है ये उसी का आकार ले लेता है। इसी तरह आप जिसे भी सच महसूस करते हैं वो आपके संसार में प्रकट हो जाएगा। इस तरह आप हमेशा पानी को सुरा में बदल रहे हैं। बाइबल प्रबुद्ध लोगों ने लिखी थी। ये रोजमर्रा का व्यवहारिक मनोविज्ञान और जीवन शैली सिखाती है। बाइबल का एक मुख्य नियम यह है कि सही विचार, भावना और विश्वासों के जरिए आप अपनी खुद की तकदीर को तय करते हैं, ढालते हैं, बनाते हैं और आकार देते हैं। यह आपको सिखाती है कि आप किसी भी समस्या को सुलझा सकते हैं, किसी भी स्थिति से उबर सकते हैं और आप सफल होने, जीतने तथा विजय पाने के लिए पैदा हुए हैं। यदि आप अमीरी का राजमार्ग खोजना चाहते हैं, जीवन में तरक्की करना चाहते हैं तो इस हेतु आवश्यक शक्ति और सुरक्षा पाने के लिए आपको बाइबल को पारंपरिक दृष्टिकोण से देखना छोड़ देना चाहिए। जिस आदमी का जिक्र किया गया वो वित्तीय संकट में था, कंगाली में भी खुद से कई बार कहा करता था कि मैं पानी को सुरा में बदल सकता हूँ। इन शब्दों के लिए उसका ये मतलब था कि मैं अपने मन में गरीबी के विचारों की जगह पर अपनी वर्तमान इच्छाओं या आवश्यकताओं के साकार स्वरूप को रख सकता हूँ जो दौलत और आर्थिक संपन्नता है। उसका मानसिक नजरिया पानी था। एक बार मैंने ईमानदारी से दौलत बनाई थी, मैं इसे सुरा दोबारा बना लूंगा। वो नियमित रूप से कहता था, मैंने एक बार प्रतीक यानी धन को आकर्षित किया था, मैं इसे दोबारा आकर्षित कर रहा हूं। मैं ये बात जानता हूं और महसूस करता हूं कि ये सच है, सुरा है। ये आदमी एक रासायनिक कंपनी का सेल्समैन बन गया। उनके उत्पादों के बेहतर प्रचार के विचार उसके मन में आया और उसने उन्हें कंपनी को बता दिया। कुछ ही समय में उसे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। 4 साल के भीतर कंपनी ने उसे प्रेसिडेंट बना दिया। उसका सतत मानसिक नजरिया था, मैं पानी को सुरा में बदल सकता हूं। जॉन में पानी को सुरा में बदलने की कहानी को अलंकारिक दृष्टि से देखें और खुद से कहें, जिस तरह से उस रासायनिक सेल्समैन ने किया था, मैं अपने अदृश्य विचारों, आकांक्षाओं, सपनों और इच्छाओं को साकार कर सकता हूं क्योंकि मैंने मन का एक सरल शाश्वत नियम खोज लिया है। जिस नियम का उसने प्रदर्शन किया था वो क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है। इसका मतलब है कि आप बाहरी जगत
शरीर, परिस्थितियां, परिवेश और आर्थिक प्रतिष्ठा हमेशा आपके आंतरिक सोच, विश्वासों, भावनाओं और मान्यताओं का पूर्ण प्रतिबिंब है। ये सच है, इसलिए अब आप सफलता, दौलत और मानसिक शांति के विचारों पर मनन करके अपने आंतरिक वैचारिक नक्शे को बदल सकते हैं। जब आप अपने मस्तिष्क को इन बाद वाली अवधारणाओं से भरा रखते हैं, तो ये विचार आपकी मानसिकता में धीरे धीरे उसी तरह से रिस जाएंगे जिस तरह जमीन में बोए गए बीज। चूंकि सारे बीज यानी कि विचार अपनी तरह की फसल देते हैं, इसलिए आपकी आदतन सोच और भावना भी समृद्धि, सफलता तथा मानसिक शांति में प्रकट होगी। समझदार विचार क्रिया के बाद ही सही कार्य यानी कि प्रतिक्रिया होती है। आप अमीरी हासिल कर सकते हैं। जब आप इस तथ्य को जान लेते हैं कि प्रार्थना विवाह का उत्सव है, ये उत्सव मनोवैज्ञानिक है। आप अपनी अच्छाई या अपनी इच्छा पर मानसिक रूप से मनन करते हैं जब तक कि आप इसके साथ एक नहीं हो जाते। मैं अब एक केस हिस्ट्री बताऊंगा कि कैसे एक युवती ने पानी को सुरा में बदल कर अपना पहला चमत्कार किया था। इस वजह से उसे काफी समय तक घर पर रहना पड़ा और कारोबार को नजरअंदाज करना पड़ा। उसकी अनुपस्थिति में उसकी दो सहयोगियों ने पैसों का गबन कर लिया। वो दिवालिया हो गई, उसका घर चला गया और वो गहरे कर्ज में डूब गई। वो अपनी माँ के अस्पताल के बिल नहीं चुका सकती थी और अब वो बेरोजगार थी। मैंने इस महिला को पानी में सुरा बदलने का जादुई फॉर्मूला समझाया। एक बार फिर हमने उसके सामने स्पष्ट कर दिया कि सुरा का मतलब प्रार्थना की सफलता या उसके लक्ष्य का साकार होना है। वो बाहरी जगत से जूझ रही थी। उसने कहा, तथ्यों की ओर देखें। मैंने हर चीज गंवा दी है, संसार बहुत बेरहम है, मैं अपने बिलों का भुगतान नहीं कर सकती, मैं प्रार्थना इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मैंने आशा गंवा दी है। वो भौतिक जगत में इतनी खोई और डूबी हुई थी कि अपनी स्थिति के आंतरिक कारण से पूरी तरह अनजान थी। हमारी बातचीत के बाद वो समझने लगी कि उसे पहले अपने मन में झगड़े को सुलझाना था। चाहे आपकी इच्छा या लक्ष्य जो भी हो, जब आप ये पुस्तक पढ़ते या सुनते हैं तो आपको अपने मन में इसका कोई ना कोई विरोधी विचार जरूर मिलेगा। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि आप स्वास्थ्य चाहते हों, लेकिन इसके साथ आपके दिमाग में ऐसे कई विचार भी घूम रहे होंगे कि मेरा इलाज नहीं हो सकता, मैंने कोशिश की है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, ये ज्यादा बुरा होता जा रहा है, मैं आध्यात्मिक मानसिक उपचार के बारे में पर्याप्त नहीं जानता हूं। जब आप अपना अध्ययन करते हैं तो क्या आपके मन में रस्साकशी नहीं होती है? इस लड़की की तरह ही आप भी पाते हैं कि परिवेश और बाहरी चीजें आपकी अभिव्यक्ति, दौलत तथा मानसिक शांति की इच्छा को चुनौती दे रही हैं। सच्ची प्रार्थना मानसिक विवाह उत्सव है और यह हमें सिखाता है कि मानसिक संघर्ष को कैसे सुलझाना है। प्रार्थना में आप वो लिखते हैं जिस पर भी आप अपने मन में विश्वास करते हैं। एमर्सन ने कहा था, मनुष्य वो है जो वो दिन भर सोचता है। अपनी आदतन सोच के जरिए आप विश्वास के अपने मानसिक नियम बनाते हैं। किसी निश्चित विचार को दोहराकर आप निश्चित राय और विश्वास ज्यादा गहरे मन में स्थापित कर लेते हैं, जिसे अवचेतन कहा जाता है। इसके बाद ये मानसिक स्वीकृतियां, विश्वास और राय सारे बाहरी कार्यों को निर्देशित व नियंत्रित करती हैं। इसे समझना और इस पर अमल शुरू करना पानी को सुरा में बदलने की दिशा में पहला कदम है। यानी अभाव और सीमा को प्रचुरता व समृद्धि में बदलने की दिशा में पहला कदम है। जो व्यक्ति अपनी आंतरिक आध्यात्मिक शक्तियों से अनजान है, वो इसी वजह से जातिगत विश्वासों, अभाव और सीमाओं वाले जीवन में जी रहा है। अभी अपनी बाइबल खोलें और अपना पहला चमत्कार करें, जैसा इस ब्यूटी पार्लर वाली ने किया था। आप ये कर सकते हैं। यदि आप बाइबल को सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना के रूप में पढ़ते हैं तो आप मन के आध्यात्मिक, मानसिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को नहीं समझ पाएंगे जिनका वर्णन इस पुस्तक में किया जा रहा है। आइए इस अंश को लेते हैं। और तीसरे दिन काना ऑफ गैलिली में एक विवाह था और ईसा मसीह की माँ वहां थी। गैलिली का मतलब है आपका मन या चेतना, काना का मतलब है आपकी इच्छा। विवाह आपकी इच्छा का विशुद्ध मानसिक या व्यक्तिपरक मूर्त रूप है। प्रार्थना का ये पूरा सुंदर नाटक मनोवैज्ञानिक है।
जिसमें सभी पात्र आपके भीतर की मानसिक अवस्थाएं, भावनाएं और विचार हैं। ईसा मसीह का एक अर्थ प्रबुद्ध तर्क भी है। ईसा मसीह की माँ का मतलब है वे भावनाएं, मनोदशाएं या भाव जो हमारे स्वामी होते हैं। और ईसा मसीह तथा उनके शिष्यों को विवाह में बुलाया गया। आपके शिष्य आपकी आंतरिक शक्तियां हैं जो आपको अपनी इच्छाएं साकार करने में समर्थ बनाती हैं। और जब वे सुरा चाहते थे तो ईसा मसीह की माँ ने ईसा मसीह से कहा, उनके पास कोई सुरा नहीं है। जैसा हमने बताया है, सुरा प्रार्थना की सफलता या आपकी इच्छा व लक्ष्यों का आपके जीवन में प्रकटीकरण है। अब आप देख सकते हैं कि ये एक रोजमर्रा का नाटक है जो आपके जीवन में भी घटित होता है। जब आप किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं, जैसा कि ये लड़की चाहती थी, जैसे नौकरी खोजना, पैसे पाना और अपनी समस्या से बाहर निकलने का तरीका खोजना, तो अभाव के सुझाव आपके पास आते हैं। जैसे कोई उम्मीद नहीं है, सब कुछ चला गया है, मैं इसे हासिल नहीं कर सकता, स्थिति निराशाजनक है। ये बाहरी जगत की आवाजें आपसे कह रही हैं, उनके पास कोई सुरा नहीं है। या तथ्यों को देखो, ये अभाव सीमा या बंधन की भावनाओं की आवाज है। आप परिस्थितियों और स्थितियों की चुनौती का सामना कैसे करते हैं? अब तक आप मन के नियमों से परिचित हो चुके हैं, जो इस तरह हैं, जैसा मैं अंदर से सोचता और महसूस करता हूं वैसा ही मेरा बाहरी जगत है, यानी मेरा शरीर, आर्थिक स्थिति, परिवेश, सामाजिक स्थिति और संसार तथा मनुष्यों के साथ मेरे बाहरी संबंध के सारे रूप। आपकी आंतरिक मानसिक गतिविधियां और चित्र आपके जीवन की बाहरी धरातल को शासित करती हैं, नियंत्रित करती हैं और दिशा देती हैं। बाइबल कहती है, जैसा वो अपने दिल में सोचता है वैसा ही वो है। हार्ट यानी कि दिल कैल्डियन भाषा का शब्द है जिसका मतलब अवचेतन मन है। दूसरे शब्दों में आपके विचार को आपके अचेतन स्वरूप की शक्ति द्वारा व्यक्तिपरक स्तरों तक पहुंचना होगा। विचार और भावना आपकी तकदीर हैं। भावना और रुचि से सराबोर विचार हमेशा साकार होता है और आपके संसार में प्रकट हो जाता है। प्रार्थना आपके विचार और भावना का विवाह है। विवाह उत्सव का यही मतलब है। मन का कोई भी विचार या इच्छा जिसे सच महसूस किया जाए घटित हो जाता है, चाहे ये अच्छा हो या बुरा हो या तटस्थ हो। अब आप इस नियम को जान चुके हैं कि आप अपने मन में जिसकी भी कल्पना करते हैं और महसूस करते हैं उसे आप बाहर व्यक्त करेंगे, प्रकट करेंगे या अनुभव करेंगे। इस ज्ञान की बदौलत अब आप अपने मन को अनुशासित कर सकते हैं। जब अभाव, डर, शंका या निराशा के सुझाव, उनके पास कोई सुरा नहीं है, वे आपके मन में आए तो उन्हें तुरंत मानसिक रूप से अस्वीकार कर दें और प्रार्थना के फल या अपनी इच्छा के साकार होने पर ध्यान केंद्रित करें। बाइबल में दिए कथन जॉन 2 के हैं और ये अलंकारिक अभिव्यक्तियां हैं। मेरा समय अभी आया नहीं है, और महिला, मेरा तुम्हारे साथ क्या संबंध है। जब हम इन कथनों की व्याख्या करते हैं तो महिला का मतलब वो नकारात्मक भावना है जिसमें आप डूबते हैं। इन नकारात्मक सुझावों में कोई शक्ति या वास्तविकता नहीं है, क्योंकि उनका समर्थन करने के लिए कुछ नहीं है। अभाव के सुझाव में कोई शक्ति नहीं है। शक्ति तो आपके खुद के विचार और भावना में निहित है। ईश्वर का आपके लिए क्या मतलब है? ईश्वर सर्वशक्तिमान आध्यात्मिक शक्ति को दिया गया एक नाम है। ईश्वर एक अदृश्य स्रोत है जिससे सारी चीजें प्रवाहित होती हैं। जब आपके विचार सृजनात्मक और मैत्रीपूर्ण होते हैं तो आपके विचार पर प्रतिक्रिया करने वाली आध्यात्मिक शक्ति मधुर संबंधों, स्वास्थ्य और समृद्धि के रूप में प्रवाहित होती है। अभाव के हर विचार को पूरी तरह अस्वीकार करने के अद्भुत अनुशासन का अभ्यास करें। आध्यात्मिक शक्ति की त्वरित उपलब्धता को पहचानें। अपने सृजनात्मक विचारों और चित्रों पर इसकी प्रतिक्रिया को पहचानें। तब आप इन शब्दों में पाए जाने वाले सत्य का अभ्यास कर रहे होंगे। महिला,
मेरे साथ तुम्हारा क्या संबंध है? हम पढ़ते हैं, मेरा समय अभी नहीं आया है। इसका मतलब है कि हालांकि आप अभी तक किसी विश्वास या सकारात्मक मानसिक अवस्था तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आप सही राह पर हैं, क्योंकि आप अपने मन को सकारात्मक आदर्शों, लक्ष्यों और उद्देश्यों पर केंद्रित कर रहे हैं। मन जिस पर भी केंद्रित होता है, ये कई गुना होता है और बढ़ता है और तरक्की करता है, जब तक कि आखिरकार मन चेतना की नई अवस्था के अनुरूप नहीं हो जाता। फिर आपका अनुकूलन सकारात्मक हो जाता है, जबकि पहले आपका अनुकूलन नकारात्मक था। प्रार्थना में आध्यात्मिक व्यक्ति अभाव की मनोदशा से आत्मविश्वास, शांति और अपने भीतर की आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास की मनोदशा तक पहुंचता है। चूंकि उसका विश्वास और आस्था आध्यात्मिक शक्ति में है, इसलिए उसकी मां यानी कि मनोदशा और भावना विजय या जीत की भावना दर्ज करती है। यह आपकी प्रार्थना का फल या समाधान ले आएगा। बाइबल की कहानी में घड़े मानसिक चक्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनसे मनुष्य अपनी इच्छा की व्यक्तिपरक प्राप्ति के लिए गुजरता है। समय एक पल, घंटा, सप्ताह या कुछ महीने भी हो सकते हैं, जो विद्यार्थी की चेतना की अवस्था और आस्था पर निर्भर करता है। प्रार्थना में हमें इंद्रियों के प्रमाणों और बाहरी जगत से पूरी तरह विरक्त हो जाना चाहिए। हमें अपने मन को झूठे विश्वासों, डर, शंका और चिंता से साफ कर लेना चाहिए। अपने मन के पहियों को रोक दें, फिर शांत मन से सफल प्रार्थना की खुशी पर तब तक मनन करें जब तक कि आंतरिक निश्चिंतता ना आ जाए, यानी जब तक आप ये ना जान जाएं कि आप जान गए हैं। जब आप अपनी इच्छा के साथ एक होने में सफल हो जाते हैं, तो आप मानसिक विवाह में सफल हो जाते हैं, यानी आपकी भावना का आपके विचार के साथ संयोग। मुझे विश्वास है कि आप इस पल में अपने मन के स्वास्थ्य, मधुर संबंध, सफलता और उपलब्धि के साथ विवाह चाहते हैं, यानी एक होना चाहते हैं। हर बार जब आप प्रार्थना करते हैं, तो आप काना के विवाह उत्सव यानी अपनी इच्छा या आदर्शों को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। आप शांति, सफलता, कल्याण और आदर्श स्वास्थ्य की अवधारणाओं के साथ मानसिक रूप से एक होना चाहते हैं। उन्होंने लबालब भर दिया। छह गढ़े आध्यात्मिक और मानसिक सृजनात्मक कार्य में आपके मन का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको अपने मन को लबालब भरना होगा, यानी आपको अपने मन को उस भावना से पूरी तरह भरना होगा जो आप बनने की हसरत रखते हैं। जब आप अपने लक्ष्य से अपने मन को भरने में सफल हो जाते हैं और इसे लबालब भर लेते हैं, तो फिर आप इसके बारे में प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, क्योंकि आप अपने मन में इसकी सच्चाई को महसूस कर लेते हैं। आप जान जाते हैं ये चेतना की पूर्ण हो चुकी अवस्था है। आप इसके बारे में शांति में हैं। और उन्होंने उनसे कहा, अब निकलो और उत्सव के संचालक के पास उठाकर ले जाओ। हमारे अवचेतन मन में जो भी बोया जाता है, वो हमेशा संसार के पर्दे पर वस्तु के रूप में उभरता है। फलस्वरूप जब हम विश्वास की अवस्था में दाखिल होते हैं कि हमारी प्रार्थना सफल हो गई है, तो हम एक तरह से आदेश देते हैं, उत्सव के संचालक के पास उठा कर ले जाओ। आप हमेशा मानसिक उत्सव के संचालक हैं। दिन के दौरान हजारों विचार, सुझाव, राय, दृश्य और ध्वनियां आपके आंख कान तक पहुंचती हैं। आप उन्हें मानसिक उपयोग के लिए अनुचित मानकर अस्वीकार कर सकते हैं, या फिर उन्हें स्वीकार कर सकते हैं, जैसा आप चुनाव करें। आपका चेतन, तार्किक, बौद्धिक मन उत्सव का संचालक है। जब आप चेतन रूप से मनोरंजन, मनन, उत्सव करने का चुनाव करते हैं और अपने दिल की इच्छा को सच मानने की कल्पना करते हैं, तो ये एक सजीव अभिव्यक्ति बन जाती है। ये आपकी मानसिकता का हिस्सा बन जाती है, ताकि आपका अधिक गहरा स्वरूप इसे जन्म या अभिव्यक्ति दे। दूसरे शब्दों में, व्यक्तिपरक रूप से जिसकी भी छाप छोड़ी जाती है, वो वस्तु परक रूप में व्यक्त होता है। आपकी इंद्रियां या चेतन मन आपकी भलाई की वस्तु के रूप में परिवर्तन देखता है। जब चेतन मन पानी को सुरा बनाने के बारे में जागरूक कर देता है,
तो ये सफल प्रार्थना के बारे में जागरूक बनता है। पानी को अदृश्य, निराकार, आध्यात्मिक शक्ति, अनुकूलन रहित चेतना भी कहा जा सकता है। सुरा अनुकूलित चेतना या मस्तिष्क द्वारा इसके विश्वासों को जन्म देना है। जो सेवक आपके लिए पानी निकालते हैं, वे शांति, आत्मविश्वास और आस्था की मनोदशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपकी आस्था या भावना के अनुरूप ही आपका हित आपके प्रति आकर्षित होता है। इस पुस्तक में बताए गए आध्यात्मिक सिद्धांतों को आत्मसात करें, इनकी सराहना करें, इनसे प्रेम करें। ईसा मसीह के पहले दर्ज चमत्कार में आपको बताया गया है कि प्रार्थना एक विवाह उत्सव है, जहां मन इसकी इच्छा के साथ एक होता है। प्रेम नियम की पूर्णता है। प्रेम दरअसल में एक भावनात्मक जुड़ाव है, आपकी भलाई के साथ एकाकार होने का एहसास है। आप जिससे प्रेम करते हैं, आपको उसके प्रति सच्चा रहना होगा। आपको अपने उद्देश्य या लक्ष्य के प्रति वफादार रहना होगा। जब हम डर, शंका, चिंता, तनाव या झूठी मान्यताओं के साथ मानसिक रूप से इश्क लड़ाते हैं या विवाह करते हैं, तो हम उसके प्रति सच्चे नहीं हो रहे हैं जिससे हम प्रेम करते हैं। प्रेम एकत्व की अवस्था है, पूर्णता की अवस्था है। जिस ब्यूटी पार्लर वाली युवती का जिक्र किया गया, जब उसे ये सरल नाटक समझाया गया, तो वो मानसिक रूप से अमीर बन गई। उसने इस नाटक को समझ लिया और अपने जीवन में इस पर अमल करने लगी। उसने इस तरह प्रार्थना की। वो जानती थी कि पानी यानी उसका खुद का मन बहेगा और उसकी नई सोच तथा भावना पर प्रतिक्रिया करते हुए सारे खाली पात्र भर देगा। रात को ये महिला बहुत शांत व स्थिर हो जाती थी और अपने शरीर को शिथिल कर लेती थी और सृजनात्मक चित्रों का इस्तेमाल करने लगती थी। उसने जिन तरीकों का इस्तेमाल किया वे यूं थे। पहला कदम, वो कल्पना करने लगी कि स्थानीय बैंक मैनेजर बैंक में भारी जमा राशि करने पर उसे बधाई दे रहा है। वो इसकी कल्पना लगभग 5 मिनट तक करती रही। दूसरा कदम, कल्पना में उसने सुना कि उसकी मां कह रही थी, मैं तुम्हारे अद्भुत नए पद के बारे में बहुत खुश हूं। वो ये बात बहुत सुखद खुश अंदाज में 3 से 5 मिनट तक सुनती रही। तीसरा कदम, उसने स्पष्टता से कल्पना की कि पादरी उसके विवाह की रस्म करा रहे हैं। इस महिला ने मुझे पादरी के रूप में कहते सुना, अब मैं तुम्हें पति पत्नी घोषित करता हूं। ये अभ्यास पूरा करने के बाद वो पूर्ण महसूस करते हुए सो गई, यानी उसने अपने भीतर प्रार्थना पूरी होने की खुशी महसूस की। 3 सप्ताह तक कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल स्थितियां ज्यादा बिगड़ गईं, लेकिन वो जुटी रही और उसने नहीं का जवाब स्वीकार करने से इनकार किया। वो जानती थी कि आध्यात्मिक रूप से विकास करने के लिए उसे अपने डर को आस्था में बदलकर अपना पहला चमत्कार करना था। उसे अभाव की मनोदशा को समृद्धि और संपन्नता की मनोदशा में बदलना था। उसे पानी यानी कि चेतना को उन स्थितियों, परिस्थितियों और अनुभवों में बदलना था जिन्हें वे अभिव्यक्त करना चाहती थी। चेतना, जागरूकता, अस्तित्वाभास, सिद्धांत, आत्मा, या चाहे आप इसे जो भी नाम दे दें, यही सबका कारण है। ये एकमात्र उपस्थिति और शक्ति है। हमारे भीतर की आध्यात्मिक शक्ति या आत्मा ही सभी चीजों का कारण और सार है। सारी चीजें, पक्षी, पेड़, तारे, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सोना, चांदी और प्लैटिनम, इसी के प्रकट रूप हैं। ये सारी चीजों का कारण और सार है, कोई दूसरी चीज नहीं है। ये समझने पर वो जान गई कि पानी यानी कि चेतना आपूर्ति बन सकता था। उसके लिए पैसे, सच्चे पद या सच्ची अभिव्यक्ति के रूप में, उसकी मां के लिए स्वास्थ्य के रूप में, साथ ही जीवन की पूर्णता और साहचर्य के रूप में। उसने पलक झपकते ही इस सरल लेकिन गहरे सत्य को देख लिया और मुझसे कहा, मैं अपनी भलाई को स्वीकार करती हूं। वो जानती थी
हमसे कुछ नहीं छिपा है। ईश्वर हमारे हृदय के भीतर है और हमारी खोज व अनुसंधान का इंतजार कर रहा है। एक महीने से भी कम समय में इस युवती का विवाह हो गया। मैंने ही उस विवाह की रस्म कराई। मैंने वे शब्द कहे जो उसने मनन की शिथिल अवस्था में बार बार सुने थे। अब मैं तुम्हें पति पत्नी घोषित करता हूं। उसके पति ने विवाह के तोहफे में उसे $24,000 का चेक दिया और संसार की सैर पर ले गया। ब्यूटी पार्लर की मालकिन के रूप में उसकी नई अभिव्यक्ति उसके घर और बाग का सौंदर्यकरण थी, जिससे उसके मन का रेगिस्तान गुलाब की तरह लहलहाने लगा। उसने पानी को सुरा में बदल दिया। पानी या उसकी चेतना, उसकी सतत सच्ची खुश तस्वीरों से आवेशित या अनुकूलित हो गई। ये तस्वीरें जब ज्यादा गहरे मन के विकासशील शक्तियों में नियमित व सुनियोजित रूप से आस्था के साथ बोई जाती हैं, तो वे अंधकार से प्रकाश में बाहर आ जाएंगी। एक महत्वपूर्ण नियम है इस नई विकसित फिल्म पर। डर, शंका, निराशा और चिंता का विनाशकारी प्रकाश न पड़ने दें। जब भी चिंता या डर आपका दरवाजा खटखटाए, तो तुरंत अपने मन में देखी गई तस्वीर की ओर मुड़ें और खुद से कहें, एक सुंदर तस्वीर मेरे मन के अंधेरे कमरे में विकसित हो रही है। उस तस्वीर पर मानसिक रूप से खुशी, आस्था और समझ की भावना उड़ेलें। आप जानते हैं कि आपने एक मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक नियम पर कार्य किया है, क्योंकि जिसकी भी छाप छूटती है वही व्यक्त होगा। ये अद्भुत है। आगे एक निश्चित तरीका दिया गया है जिससे आप अपने जीवन में आवश्यक सारी भौतिक दौलत और आपूर्ति को प्रकट व विकसित कर सकते हैं। अगर आप इस फॉर्मूले पर सच्चाई और ईमानदारी से अमल करते हैं, तो आपको बाहरी स्तर पर प्रचुर पुरस्कार मिलेगा। मैं एक आदमी का प्रसंग बताकर इसे रेखांकित करूंगा, जो निराशाजनक आर्थिक स्थिति में लंदन में मुझसे मिलने आया। वो चर्च ऑफ इंग्लैंड का सदस्य था और उसने कुछ हद तक अवचेतन मन की कार्य प्रक्रिया का अध्ययन किया था। मैंने उसे दिन में बार बार ये कहने की सलाह दी, ईश्वर मेरी आपूर्ति का स्रोत है और मेरी सारी आवश्यकताएं हर पल हर जगह पूरी हो रही हैं। इस संसार में पशुओं के जीवन के बारे में सोचें और अंतरिक्ष की सारी आकाश गंगाओं के बारे में सोचें, जिनकी परवाह एक असीम प्रज्ञा कर रही है। गौर करें कि प्रकृति कितनी उदार, प्रचुर और अतिशय है। समुद्र की मछलियों के बारे में सोचें जिन्हें खाना मिल रहा है, साथ ही आसमान के पक्षियों के बारे में भी सोचें। उसे ये एहसास होने लगा कि जब से वो पैदा हुआ था उसकी परवाह की गई थी। माँ ने उसे भोजन दिया था, पिता ने कपड़े दिए थे और प्रेम पूर्ण अभिभावकों ने उसका ध्यान रखा था। इस आदमी को एक अच्छी नौकरी मिली थी जिसमें उसे अच्छी तनख्वाह मिलती थी। उसे ये मानना अतार्किक लगा कि जीवन के जिस सिद्धांत ने उसे जीवन दिया था और उसकी हमेशा परवाह की थी, वो अचानक उस पर प्रतिक्रिया करना क्यों छोड़ देगा। उसे एहसास हुआ कि यह प्रतिक्रिया उसी क्रिया की वजह से हुई थी। उसने अपने नियोक्ता से द्वेष करके, खुद की आलोचना व निंदा करके और अक्षमता के एहसास के द्वारा अपनी खुद की आपूर्ति को काट लिया था। उसने मनोवैज्ञानिक रूप से उस धागे को काट लिया था जो उसे सारी चीजों के अनंत स्रोत से जोड़ता था। अंदर निवास करने वाली आत्मा या जीवन सिद्धांत, जिसे कुछ लोग चेतना या जागरूकता कहते थे। मनुष्य को पक्षियों की तरह भोजन नहीं दिया जाता है, उसे अंदर वास करने वाली शक्ति और उपस्थिति से चेतन रूप से संपर्क करना होगा तथा अपनी जरूरतों की संतुष्टि के लिए आवश्यक सारी चीजें, मार्गदर्शन, शक्ति व प्राण शक्ति हासिल करनी होगी। यही वो फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल उसने पानी को समृद्धि व आर्थिक सफलता की सुरा में बदलने के लिए किया। उसे एहसास हो गया कि ईश्वर या उसके भीतर की आध्यात्मिक शक्ति सभी चीजों का कारण थी। इससे बढ़कर उसे एहसास हुआ कि अगर वो इस विचार पर विश्वास कर ले कि उसके पास दौलत का दैवीय अधिकार है, तो वो दौलत उत्पन्न कर लेगा। उसने जिस कथन का इस्तेमाल किया वो था, ईश्वर मेरी आपूर्ति का स्रोत है। मेरी सारी आर्थिक और अन्य जरूरतें समय के हर पल और हर जगह पूरी हो रही हैं। हमेशा दैवी समृद्धि है।
इस सरल कथन को बार बार अक्सर जानते बूझते हुए और समझदारी से दोहराए जाने पर उसके मन में समृद्धि की चेतना भर गई। उसे तो बस खुद को यह सकारात्मक विचार बेचना भर था। जिस तरह किसी अच्छे सेल्समैन को अपने उत्पाद के गुण खुद को बेचने होते हैं, ऐसा व्यक्ति अपनी कंपनी की ईमानदारी, प्रोडक्ट की उच्च गुणवत्ता, ग्राहक को दी जाने वाली अच्छी सेवा और सही भाव पर विश्वास करता है। मैंने उससे कहा कि जब भी उसके मन में नकारात्मक विचार आए, जो कि आएंगे, तो वो उनसे कभी न लड़े, बल्कि सीधे आध्यात्मिक और मानसिक फॉर्मूले पर जाए और शांति व प्रेम से इसे दोहराए। कई मौकों पर नकारात्मक विचार सैलाब की तरह उसके दिमाग में आए, नकारात्मकता की बाढ़ के रूप में आए। हर बार उसने इनका सामना इस सकारात्मक, दृढ़, निष्ठापूर्ण विश्वास के साथ किया। ईश्वर मेरी सारी जरूरतों की आपूर्ति करता है, मेरे जीवन में दैवीय समृद्धि है। उसने कहा कि जब वो अपनी कार चलाता था और दिनचर्या से गुजरता था, तो बहुत सारी नकारात्मक अवधारणाएं उसके दिमाग में समय समय पर भीड़ लगा देती थी। जैसे कोई उम्मीद नहीं है, तुम गड़के हो। हर बार जब ऐसे नकारात्मक विचार आते थे, तो वो उन्हें अपने दिमाग के भीतर प्रवेश करने की इजाजत नहीं देता था और दौलत, स्वास्थ्य तथा सारी चीजों के शाश्वत स्रोत की ओर मुड़ जाता था, जिन्हें वो आध्यात्मिक जागरूकता की वजह से अपनी मानता था। निश्चित और सकारात्मक रूप से वो दावा करता था कि ईश्वर मेरी आपूर्ति का सतत स्रोत है और वो आपूर्ति अब मेरी है। यह एक दैवीय समाधान है। ईश्वर की दौलत मेरी दौलत है। और ऐसे ही अन्य सकारात्मक कथन जो उसके मन को आशा, आस्था, अपेक्षा और अंततः इस विश्वास से आवेशित कर देते थे कि एक अनंत प्रवाहित होने वाला अमीरी का झरना है, जो उसकी सारी जरूरतों की पूर्ति प्रचुरता से, खुशी खुशी और अंतहीन रूप से कर रहा था। विचारों की एक नकारात्मक बाढ़ एक घंटे में 50 बार तक उसके मन की ओर जाती थी। इन घुसपैठियों, हथियारों और चोरों को अपने मन में घुसने के लिए हर बार वो दरवाजा खोलने से इनकार कर देता था। वो जानता था कि उसकी शांति, दौलत, सफलता और सारी अच्छी चीजों को छीन लेंगे। इसके बजाय वो अपने मन का द्वार सिर्फ ईश्वर के शाश्वत जीवन सिद्धांत के विचार की ओर खोलता था, जो दौलत, स्वास्थ्य, ऊर्जा, शक्ति और पूर्ण तथा सुखद जीवन जीने के लिए आवश्यक सारी चीजों के रूप में उसके जीवन में प्रवाहित हो रही थी। जब उसने ऐसा किया, तो दूसरे दिन कम चोरों ने उसके द्वार पर दस्तक दी। तीसरे दिन नकारात्मक आगंतुकों का प्रवाह कम हो गया और चौथे दिन वे प्रवेश की आशा में काफी अंतर से आए, लेकिन उन्हें वही मानसिक प्रतिक्रिया मिली, कोई प्रवेश नहीं। मैं सिर्फ उन्हीं विचारों और अवधारणाओं को स्वीकार करता हूं जो मेरे मन को सक्रिय करें, उपचार दें, आशीष दें और प्रेरित करें। उसने अपनी चेतना या मन को दोबारा अनुकूलित करके दौलत की चेतना स्थापित कर ली। इस संसार का राजकुमार आता है और मुझ में कुछ नहीं पाता। इससे आपके मन में ये पहुंचता है कि डर, अभाव, चिंता, तनाव जैसे नकारात्मक विचार आए तो सही, लेकिन उसके मन से उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अब वो प्रतिरक्षित था, ईश्वर में मस्त था और दैवीय आस्था से ओतप्रोत था। समृद्धि और आर्थिक आपूर्ति की हमेशा व्यापक होती चेतना में था। इस आदमी ने हर चीज नहीं खोई, न ही वो दिवालिया हुआ। उसे कर्ज की मोहलत मिली, उसका कारोबार बेहतर हो गया, उसके लिए नए द्वार खुल गए और वो समृद्ध हो गया। याद रखें, प्रार्थना की प्रक्रिया में आपको हमेशा अपने लक्ष्य, उद्देश्य और ध्येय के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। कई लोग दौलत और आर्थिक सफलता हासिल करने में इसलिए असफल रहते हैं क्योंकि वे दो तरफा प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं ईश्वर उनकी आपूर्ति का स्रोत है और वे दैवीय रूप से समृद्ध हैं, लेकिन कुछ ही मिनट बाद वे ये कहकर अपनी भलाई से इनकार करते हैं, मैं इस बिल का भुगतान नहीं कर सकता, मैं इस उस या अमुक चीज का खर्च नहीं उठा सकता। या वे खुद से कहते हैं कि कोई श्राप मेरा पीछा कर रहा है, मैं महीने का खर्च नहीं चला सकता, मेरे पास गुजारा करने के लिए कभी पर्याप्त नहीं रहता। ऐसे सारे कथन बेहद विनाशकारी हैं और आपकी सकारात्मक प्रार्थनाओं को विफल कर देते हैं। ऐसे ही
दो तरफा प्रार्थना कहा जाता है। आपको अपनी योजना या अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान रहना होगा। आपको आध्यात्मिक शक्ति के अपने ज्ञान के प्रति सच्चा रहना होगा। नकारात्मक विवाह करना छोड़ें, यानी नकारात्मक विचारों, डरों और चिंताओं के साथ संयुक्त होना बंद करें। प्रार्थना उस कप्तान की तरह है जो अपने जहाज को दिशा का निर्देश दे रहा है। आपके पास एक मंजिल होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कहां जा रहे हैं। जहाज का कप्तान नौ परिवहन के नियमों को जानते हुए अपनी दिशा को नियंत्रित करता है। अगर तूफानों या बड़ी लहरों के कारण जहाज दिशा से भटकता है तो वो शांति से इसे दोबारा इसकी सच्ची दिशा की ओर मोड़ लेता है। आप जहाज के कप्तान हैं और आप अपने विचारों, भावनाओं, रायों, विश्वासों, मनोदशाओं और मानसिक दशा के जरिए आदेश दे रहे हैं। प्रकाश रेखा पर अपनी निगाह रखें। आप वहीं जाते हैं जहां आपकी दृष्टि होती है, इसलिए उन सारी बाधाओं, विलंबों और अवरोधों को देखना छोड़ें जिनकी वजह से आप अपनी दिशा से भटक सकते हैं। निश्चित, निश्चिंत और सकारात्मक रहें। तय करें कि आप कहां जा रहे हैं। जान लें कि आपका मानसिक नजरिया ही वो जहाज है जो आपको अभाव और सीमा की मनोदशा से समृद्धि की मनोदशा और भावना तथा इस विश्वास तक ले जाएगा कि ईश्वर का अपरिहार्य नियम आपके लिए काम कर रहा है। क्विंबी एक डॉक्टर, एक अद्भुत विद्यार्थी और मन के मानसिक व आध्यात्मिक नियमों के शिक्षक थे। उन्होंने कहा था, मनुष्य उसी तरह काम करता है जिस तरह उस पर काम किया जाता है। इस समय आपको कौन चलाता है? वो कौन सी चीज है जो जीवन पर आपकी प्रतिक्रिया को तय करती है? आपके विचार, विश्वास और राय आपके मन को सक्रिय करती है और इस बिंदु तक अनुकूलित करती है कि आप क्विंबी के अनुसार अपने विश्वासों की अभिव्यक्ति बन जाते हैं। ये क्विंबी के कथन के सत्य को रेखांकित करता है, मनुष्य अभिव्यक्त विश्वास है। क्विंबी का एक और लोकप्रिय कथन था, हमारे मन परिवेशों की तरह घुलते मिलते हैं और हर व्यक्ति की उस परिवेश में अपनी पहचान होती है। जब आप बच्चे थे तो आप घर की मनोदशाओं, भावनाओं, विश्वासों और आम मानसिक परिवेश के नियंत्रण में थे। माता पिता के डर, चिंताएं, अंधविश्वास, धार्मिक आस्था और विश्वास की छाप आपके दिमाग पर छूटी थी। आइए मान लेते हैं कि कोई बच्चा एक गरीब घर में बड़ा हुआ था जहां कभी पर्याप्त पैसे नहीं थे। उसने लगातार अभाव और सीमा की शिकायतें सुनी। आप सॉल्टर की तरह अपनी अनुकूलित अचेतन मनोचिकित्सा में कह सकते हैं कि बच्चा गरीबी के प्रति अनुकूलित था। इस किशोर को अपने शुरुआती अनुभवों, प्रशिक्षण और विश्वासों पर आधारित गरीबी की ग्रंथि हो सकती है, लेकिन स्थिति चाहे जो भी हो, वो उससे उबर सकता है और स्वतंत्र हो सकता है। ये प्रार्थना की शक्ति के जरिए किया जाता है। मैं 17 साल के किशोर को जानता था जो न्यूयॉर्क के बदनाम इलाके में पैदा हुआ था। मैं उस वक्त स्टाइनवे हॉल न्यूयॉर्क में व्याख्यान दे रहा था जो उसने सुने। इस लड़के को एहसास हुआ कि वो नकारात्मक विनाशकारी सोच का शिकार था और अगर उसने अपने मन को सृजनात्मक मार्ग पर दिशा नहीं दी तो वैश्विक मन इसके डरों, असफलताओं, नफरतों और ईर्ष्याओं के साथ उसे अपने शिकंजे में कस लेगा। मनुष्य उसी तरह काम करता है जिस तरह उस पर काम किया जाता है। जैसा क्विंबी जानते थे, ये तर्कपूर्ण लगता है कि अगर मनुष्य अपने खुद के मकान यानी कि मन को नहीं संभालता है तो इस संसार का प्रचार, झूठी मान्यताएं, डर और चिंताएं उस पर सम्मोहक मंत्र की तरह काम करेंगे। हम जातिगत मस्तिष्क में डूबे हुए हैं जो बीमारी, मौत, दुर्भाग्य, दुर्घटना, असफलताओं, रोग और विभिन्न विनाशों में विश्वास करता है। बाइबल के आदेश का अनुसरण करें, उनके बीच से बाहर आ जाओ और अलग रहो। खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से उन शाश्वत सत्यों के साथ एकाकार करें जो समय के इम्तिहान में खड़े उतरे हैं। इस युवक ने सोचने और खुद के लिए योजना बनाने का निर्णय लिया। उसने उसी समय ईश्वर की समृद्धि को स्वीकार करके और मन में आध्यात्मिक अवधारणाओं तथा अनुभूतियों को भरकर अमीरी के राजमार्ग को पकड़ने का निर्णय लिया।
वो जानता था कि ये करने पर सारे नकारात्मक विचार अपने आप उसके मन से बाहर निकल जाएंगे। उसने वैज्ञानिक कल्पना नामक एक सरल प्रक्रिया अपनाई। उसकी आवाज बहुत शानदार थी, लेकिन उसने कहीं कोई प्रशिक्षण नहीं लिया था। मैंने उसे बताया कि वो अपने मन में जिस तस्वीर पर ध्यान देगा, वो उसके अवचेतन मन में विकसित हो जाएगी और साकार हो जाएगी। वो समझ गया कि यही मन का नियम है, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है। यानी चेतन मन में रखी गई मानसिक तस्वीर पर अवचेतन मन की प्रतिक्रिया। ये युवक घर पर अपने कमरे में शांति से बैठता था, अपने पूरे शरीर को तनाव रहित करता था और स्पष्टता से कल्पना करता था कि वो एक माइक्रोफोन के सामने गा रहा था। वो दरअसल मशीन के एहसास की पूर्ण कल्पना करता था। वो सुनता था कि मैं उसके अद्भुत अनुबंध पर उसे बधाई दे रहा हूं और उसे बता रहा हूं कि उसकी आवाज कितनी कमाल की है। इस मानसिक तस्वीर पर नियमित और सुनियोजित तरीके से ध्यान और निष्ठा देने का नतीजा ये हुआ कि उसके अवचेतन मन पर एक गहरी छाप छूट गई। कुछ समय बाद न्यूयॉर्क के एक इतालवी स्वर प्रशिक्षक ने एक सप्ताह में कई बार उसे मुफ्त प्रशिक्षण दिया, क्योंकि उसने उसकी संभावनाओं को देख लिया था। उसे एक अनुबंध मिल गया जिसने उसे यूरोप, एशिया, दक्षिण अफ्रीका और दूसरी जगहों की प्रदर्शनियों में गाने के लिए भेजा गया। उसकी आर्थिक चिंताएं अब खत्म हो गई थी, क्योंकि उसे बहुत अच्छी तनख्वाह भी मिली। उसके छिपे हुए गुण और उन्हें मुक्त करने की योग्यता उसकी असली दौलत थी। हम सभी के भीतर ये गुण और शक्तियां ईश्वर की दी हुई हैं। आइए हम उन्हें मुक्त करें। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि मैं अपने साथी इंसानों के लिए ज्यादा उपयोगी कैसे बन सकता हूं? मैं मानवता के प्रति अधिक योगदान कैसे दे सकता हूं? मेरे एक पादरी मित्र ने मुझे बताया कि शुरुआती दिनों में वे और उनका चर्च आर्थिक दृष्टि से बुरे हाल में थे। उनकी तकनीक या प्रक्रिया ये सरल प्रार्थना थी जिसने उनके लिए चमत्कार कर दिए। ईश्वर लोगों को दैवीय सत्य बताने के बेहतर तरीके मेरे सामने उजागर करता है। पैसा आने लगा, कर्ज कुछ सालों में पट गया और उसके बाद उन्हें कभी पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ी। ये अध्याय सुनने पर अब आप सीख चुके हैं कि मनुष्य की आंतरिक भावनाएं, मनोदशाएं और विश्वास हमेशा उसके बाहरी संसार को नियंत्रित और शासित करते हैं। मन की आंतरिक गतिविधियां बाहरी गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं। बाहर बदलने के लिए आपको भीतर बदलना होगा। जैसा स्वर्ग में वैसा धरती पर, या जैसा मेरे मन या चेतना में है वैसा ही मेरे शरीर, परिस्थितियों और परिवेश में होता है। बाइबल कहती है, कोई चीज छिपी नहीं है जो उजागर नहीं की जाएगी। मिसाल के तौर पर, अगर आप बीमार हैं तो आप एक मानसिक और भावनात्मक नक्शा प्रकट कर रहे हैं जो उस बीमारी का असल कारण है। अगर आप विचलित हैं या आपको कोई बुरी खबर मिली है तो गौर करें कि आप इसे कैसे अपने चेहरे, आंखों, मुद्राओं, लहजे के अलावा अपनी चाल ढाल और हाव भाव में उजागर करते हैं। वास्तव में आपका पूरा शरीर आपके अंदरूनी दुख को उजागर करता है। जाहिर है, मानसिक अनुशासन और प्रार्थना की बदौलत आप पूरी तरह संतुलित, शांत और अविचलित रह सकते हैं। आप अपनी अंदरूनी भावनाओं या मानसिक अवस्थाओं को दिखाने से इनकार कर सकते हैं। आप अपने शरीर की मांसपेशियों को शिथिल होने, शांत रहने और स्थिर रहने का आदेश दे सकते हैं। उन्हें आपका आदेश मानना ही होगा। आपकी आंखें, चेहरा और होंठ दुख, क्रोध या निराशा का कोई भी चिन्ह उजागर नहीं करेंगे। दूसरी तरफ, थोड़े अनुशासन के साथ प्रार्थना और ध्यान के जरिए आप पूरी तस्वीर को बदल सकते हैं। हालांकि आपको विचलित करने वाली खबर मिली थी, लेकिन इसकी गंभीर प्रकृति से परे आप खुशी, शांति, सुकून और एक जोशपूर्ण, प्रफुल्ल प्रकृति दिखा सकते हैं। किसी को कभी पता भी नहीं चल पाएगा कि आपको तथाकथित बुरी खबर मिली थी। आपको आज चाहे जैसी भी खबर मिली हो, आप आईने के सामने जाकर अपने चेहरे, होठों, आंखों और मुद्राओं को देख सकते हैं।
जब आप खुद को बताते हैं और कल्पना करते हैं कि आपने भारी दौलत पाने की खबर सुनी है, इसका नाटकीयकरण करें, इसे महसूस करें, इसके बारे में रोमांचित हों और गौर करें कि आपका पूरा शरीर आंतरिक रोमांच पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। आप प्रार्थना के जरिए किसी भी स्थिति को उलट सकते हैं। अपने मन को शांति, सफलता, दौलत और खुशी की अवधारणाओं से व्यस्त रखें। मानसिक, भावनात्मक और चित्रात्मक रूप से इन विचारों के साथ जुड़ाव बनाएं। अपनी वैसी तस्वीर बनाएं जैसे कि आप बनाना चाहते हैं। उस तस्वीर को कायम रखें, खुशी, आस्था और अपेक्षा से उसे पोषण दें। आखिरकार आप इसका अनुभव करने में सफल होंगे। जो लोग आर्थिक अभाव के बारे में मुझसे परामर्श लेने आते हैं, उनसे मैं दौलत से विवाह करने को कहता हूं। कुछ समझते हैं, बाकी नहीं समझते। जैसा बाइबल के सभी विद्यार्थी जानते हैं, आपकी पत्नी वो है जिससे आप मानसिक रूप से संयुक्त हैं, जिसके साथ आप एक हैं। दूसरे शब्दों में, आप जिसकी कल्पना करते हैं और जिसमें यकीन करते हैं, उसे आप जन्म देते हैं। अगर आपको यकीन है कि संसार भावहीन, बेरहम और कठोर है, कि ये कुत्ता कुत्ते को खाता है वाली जीवन शैली है, तो ये आपकी अवधारणा है। आपका इससे विवाह हुआ है और इस विवाह से आपके बच्चे होंगे। ऐसे मानसिक विवाह या विश्वास से होने वाली संतानें आपके अनुभव, स्थितियां और परिस्थितियां होंगी, साथ ही आपके जीवन की बाकी सभी घटनाएं। आपके सारे अनुभव और जीवन पर प्रतिक्रियाएं उन विचारों की तस्वीर और चित्र होंगे जिन्होंने उन्हें जन्म दिया है। उन पत्नियों को देखें जिनके साथ आम आदमी रह रहा है, जैसे डर, शंका, चिंता, आलोचना, ईर्ष्या और क्रोध, ये उसके मन में तबाही मचा देते हैं। ये दावा करके, महसूस करके और विश्वास करके दौलत से विवाह करें। ईश्वर वैभव में अपनी दौलत के अनुसार मेरी सारी जरूरतें पूरी करता है, ये आगे दिया कथन लें और इसे जानते बूझते हुए तब तक बार बार दोहराएं जब तक कि आपकी चेतना इससे ओतप्रोत नहीं हो जाती या ये आपके मन का हिस्सा नहीं बन जाता। मैं दैवीय रूप से अभिव्यक्त हूं और मेरी आमदनी अद्भुत है। इसे तोते की तरह नहीं रटें, बल्कि जान लें कि आपके विचारों की छाप आपके अवचेतन मन पर अंकित हो रही है और ये चेतना की अनुकूलित अवस्था बन जाती है। इस वाक्य को अपने लिए अर्थपूर्ण बनने दें। इस पर जीवन, प्रेम और भावना उड़े लें। इसे सजीव बनाएं। मेरी कक्षाओं के विद्यार्थी ने हाल ही में एक रेस्टोरेंट खोला। उसने मुझे फोन करके बताया कि उसकी शादी एक रेस्टोरेंट से हो गई है। उसका मतलब था कि उसने बहुत सफल, मेहनती और लगनशील बनने का मन बना लिया है और ये देखने का कि उसका कारोबार समृद्ध हो। इस मनुष्य की पत्नी उसकी इच्छा की कामयाबी में उसका विश्वास था। जीवन में अपने लक्ष्य के साथ जुड़ाव बनाएं और आलोचना, आत्मनिंदा, क्रोध, डर और चिंता के साथ मानसिक विवाह बंद करें। अपने चुने हुए लक्ष्य पर ध्यान दें। समृद्धि और सफलता के अवश्यंभावी नियम में विश्वास और आस्था से सराबोर रहें। एक मिनट तक अपने लक्ष्य से प्रेम करके और अगले ही मिनट उससे इनकार करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा। ये तो अम्ल और क्षार को मिलाने जैसा है, जिससे आपको एक उदासीन तत्व ही मिलेगा। अमीरी के राजमार्ग पर चलने के लिए आपको अपने चुने हुए लक्ष्य के प्रति निष्ठावान रहना होगा। इन्हीं सत्यों से संबंधित प्रसंग हमें बाइबल में मिलते हैं। मिसाल के तौर पर, हव्वा को आदम की पसली से बनाया गया। आपकी पसली आपकी अवधारणा, इच्छा, विचार, योजना, लक्ष्य या जीवन में उद्देश्य है। हव्वा का मतलब है भावना, एहसास की प्रकृति या अंदरूनी स्वर। दूसरे शब्दों में, आपको विचार को जन्म देना होगा। विचार को जन्म देना होगा, प्रेम करना होगा और इसे सच महसूस करना होगा, ताकि ये जीवन में आपके लक्ष्य को प्रकट करे, साकार करे। विचार पिता है, भावना माँ है। विवाह उसका उत्सव आपके जीवन में हमेशा घटित हो रहा है। उस पेंसकी ने तीसरे तत्व के बारे में बोला था,
जो आपकी इच्छा और भावना के संयोग के बाद बना या दाखिल हुआ। उन्होंने इसे तटस्थ तत्व कहा। हम इसे शांति कह सकते हैं क्योंकि ईश्वर शांति है। बाइबल कहती है, और शासन उनके कंधों पर होगा। दूसरे शब्दों में, दैवीय बुद्धिमत्ता को अपना मार्गदर्शक बनने दें। अपने भीतर की व्यक्तिपरक बुद्धिमत्ता को सभी तरीकों से अपना नेतृत्व करने दें, मार्गदर्शन करने दें और शासित करने दें। अपना आग्रह इस अंदर वास करने वाली उपस्थिति के हवाले कर दें और अपने दिल तथा आत्मा में जान लें कि ये चिंता को दूर कर देगी, घाव को भर देगी और आपकी आत्मा को दोबारा समभाव व शांति तक पहुंचा देगी। अपने दिल और दिमाग को खोलें और कहें, ईश्वर मेरा पायलट है, वो मेरा नेतृत्व करता है, वो मुझे समृद्ध बनाता है, वो मेरा परामर्शदाता है। अपनी प्रार्थना को सुबह और रात होने दें। मैं एक मार्ग हूं जिसके जरिए ईश्वर की दौलत अनंत रूप से प्रचुरता में और मुक्तता से प्रवाहित होती है। इस प्रार्थना को अपने दिल पर लिख लें, इसे अपने दिमाग पर अंकित कर लें। ईश्वर की महिमा की प्रकाश रेखा पर केंद्रित रहें। जो मनुष्य अपने मन की आंतरिक कार्य प्रणाली को नहीं जानता, वो बोझ, चिंताओं और तनावों से भरा रहता है। वो ये नहीं सीख पाया है कि कैसे अपना बोझ अंदर वास करने वाली उपस्थिति पर डालकर मुक्त हुआ जाता है। जैन सन्यासी से उनके एक शिष्य ने पूछा, सत्य क्या है? उन्होंने बोरे को अपनी पीठ से उतार कर जमीन पर रख दिया और प्रतीकात्मक तरीके से जवाब दे दिया। शिष्य ने फिर उनसे पूछा, गुरुजी ये कैसे काम करता है? जैन सन्यासी अब भी खामोश रहे। उन्होंने बोरा अपनी पीठ पर दोबारा लादा और गुनगुनाते हुए सड़क पर चलने लगे। बोरा आपका बोझ है, आपकी समस्या है। आप इसे व्यक्तिपरक बुद्धिमत्ता पर डाल देते हैं, जो सब कुछ जानती है और उपलब्धि का व्यवहारिक ज्ञान रखती है। ये केवल जवाब जानती है। बोरे को अपनी पीठ पर दोबारा लादने का मतलब है कि हालांकि अब भी मेरे पास समस्या है, लेकिन अब मैं मानसिक चैन से हूं और बोझ से राहत मिल चुकी है, क्योंकि मैंने दैवीय बुद्धिमत्ता का आह्वान कर लिया है। इसीलिए मैं विजय का गीत गाता हूं और जानता हूं कि मेरी प्रार्थना का जवाब आ रहा है, और मैं आने वाली खुशी को देखकर गा रहा हूं। ये अद्भुत है। हर व्यक्ति शुरुआत में अच्छी सुरा लाता है। जब लोग अच्छी तरह पी लेते हैं तो फिर बदतर सुरा लाता है, लेकिन तुमने अच्छी सुरा अब तक रखी है। ये हर उस व्यक्ति के बारे में सच है जब वो पहली बार मन के नियमों के ज्ञान में दाखिल होता है। वो ऊंचे उत्साह और महत्वाकांक्षाओं के साथ शुरू करता है। वो नई झाड़ू है जो साफ करती है। उसके इरादे अच्छे होते हैं, लेकिन प्रायः वह शक्ति के स्रोत को भुला देता है। वो अपने भीतर के सिद्धांत के प्रति निष्ठावान नहीं रहता। जो वैज्ञानिक हैं और जो उसे मनचाहा फल देंगे, जो उसे उसके नकारात्मक अनुभवों से उबार कर स्वतंत्रता तथा मानसिक शांति के उच्च मार्ग पर पहुंचा देंगे, वो मानसिक और भावनात्मक रूप से ऐसे विचारों तथा भावनाओं में फटक जाता है जो उसके तय लक्ष्य और उद्देश्य के लिहाज से असंबद्ध होते हैं। दूसरे शब्दों में, वो अपने लक्ष्य या पत्नी के प्रति वफादार नहीं होता। ये जान लें कि आपके भीतर का व्यक्तिपरक या ज्यादा गहरा स्वरूप आपके आग्रह को स्वीकार करेगा, और महान रचयिता होने के नाते ये इसे अपने तरीके से घटित कराएगा। आपको तो बस ये करना है कि अपने आग्रह को आस्था और विश्वास के साथ मुक्त करें, ठीक उसी तरह जिस तरह आप जमीन में कोई बीज बोते हैं या किसी मित्र को चिट्ठी डालते हैं, ये जानते हुए कि जवाब मिलेगा। क्या आप कभी दो चट्टानों के बीच में गए हैं और अपनी आवाज की गूंज सुनी है? आपके भीतर का जीवन सिद्धांत भी इसी तरह जवाब देता है। आप अपनी ही आवाज की गूंज सुनेंगे। आपकी आवाज मन की आंतरिक मानसिक गतिविधि है। आपकी आंतरिक मनोवैज्ञानिक यात्रा है जहां आपने मानसिक रूप से एक विचार पर तब तक उत्सव मनाया जब तक कि आपने खुद को लबालब नहीं भर लिया, फिर आपने आराम किया।
इस नियम और इसके इस्तेमाल के तरीके को जानते हुए ये यकीन रखें कि आप कभी शक्ति, दंभ, घमंड या मिथ्या अहम से नहीं भरते हैं। इस नियम का उपयोग अपने साथ साथ दूसरों को आशीष देने, उपचार करने, प्रेरित करने और ऊपर उठाने के लिए करें। मनुष्य अपने साथी इंसानों से स्वार्थवश लाभ लेकर इस नियम का दुरुपयोग करता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद को चोट पहुंचाते हैं और नुकसान को अपने प्रति आकर्षित करते हैं। शक्ति, सुरक्षा और दौलत बाहर से हासिल नहीं की जाती है, ये तो शाश्वत अंदरूनी खजाने से आती है। हमें यह एहसास करना चाहिए कि अच्छी सुरा हमेशा मौजूद है, क्योंकि ईश्वर अमर वर्तमान है। वर्तमान परिस्थितियों से परे आप साबित कर सकते हैं कि आपकी भलाई हमेशा मौजूद है। अगर आप खुद को मानसिक रूप से समस्या से विरक्त कर दें और चौकस रहकर अपने परमपिता के कार्य में जुटे रहें। चौकस रहने का मतलब अपनी भलाई का चित्र देखना है, अपनी नई अवधारणा पर केंद्रित होना है, इससे विवाह करना है और निष्ठावान रहकर खुद मनोदशा को कायम रखना है। रास्ते के हर कदम पर आस्था से लबालब भरे ये जानते हुए कि खुशी की सुरा, प्रार्थना का फल राह में है। आज मुक्ति का दिवस है, स्वर्ग का साम्राज्य निकट है। तुमने अच्छी सुरा अब तक रखी है। आप इसी पल अपने मन की मनोवैज्ञानिक यात्रा कर सकते हैं और दैवी कल्पना के जरिए मानसिक रूप से मनचाही अवस्था में दाखिल हो सकते हैं। दौलत, सेहत या जो भी आविष्कार आप करना चाहते हैं, वे सभी पहले पहले अदृश्य होते हैं। हर चीज अदृश्य से उत्पन्न होती है। आप पहले व्यक्ति परक रूप से दौलत के मालिक बनते हैं, इसके बाद ही आप दौलत के वस्तु परक मालिक बनते हैं। दौलत की भावना से दौलत उत्पन्न होती है, क्योंकि दौलत चेतना की अवस्था है। चेतना की अवस्था वो है जो आप सोचते हैं, महसूस करते हैं, यकीन करते हैं और जिसके प्रति मानसिक सहमति देते हैं। कैलिफोर्निया में एक टीचर को हर साल $5,000-6,000 का वेतन मिलता था। उसने एक दुकान में एक सुंदर सफेद अर्मीन कोट देखा जिसका भाव $8,000 था। उसने कहा, इतना पैसा बचाने में तो मुझे कई साल लग जाएंगे, मैं इसका खर्च कभी नहीं उठा सकती। ओ, मैं इसे कितना चाहती हूँ। उसने रविवार की सुबह हमारे प्रवचन सुने। इन नकारात्मक अवधारणाओं से विवाह करना छोड़कर उसने सीखा कि वो अपना मनचाहा कोट, कार या कोई भी दूसरी चीज हासिल कर सकती है और इसके लिए उसे संसार में किसी को चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं है। मैंने उससे ये कल्पना करने को कहा कि उसने कोट पहन रखा है और ये कि कल्पना में वो इसका सुंदर फर छुए, महसूस करे और इसे सचमुच पहनने की भावना जगाए। वो रात को सोने से पहले अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करने लगी। उसने अपनी कल्पना में वो कोट पहना, उसे सहलाया, उस पर हाथ फेरा, जिस तरह की कोई बच्ची अपनी गुड़िया के साथ करती है। वो ऐसा करती रही और आखिरकार उसे इस सब का रोमांच महसूस हो गया। वो हर रात ये काल्पनिक कोट पहनकर सोने गई और इसे हासिल करने पर वो बहुत ही खुश थी। 3 महीने गुजर गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो डगमगाने वाली थी लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि सतत मनोदशा से ही परिणाम मिलते हैं। जो अंत तक लगनशील रहता है उसे ही बचाया जाएगा। समाधान उसी व्यक्ति के पास आएगा जो डगमगाता नहीं है, बल्कि हमेशा अपने साथ ईश्वर की उपस्थिति का इत्र लेकर चलता है। जवाब उस व्यक्ति के पास आता है जो इस रोशनी में चलता है कि ये हो चुका है। आप हमेशा ईश्वर की उपस्थिति के इत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप अपेक्षा की सुखद, खुशनुमा मनोदशा को कायम रखते हैं और ये जानते हैं कि आप भलाई की राह पर हैं, आपने इसे अदृश्य में देखा था और आप जानते हैं कि आप इसे दृश्य में भी देखेंगे। इस शिक्षिका के मन के नाटक का अंत रोचक है। हमारे प्रवचन के बाद एक रविवार की सुबह एक आदमी ने संयोग से उसके पैर पर पैर रख दिया। उसने उससे काफी माफी मांगी और पूछा कि वो कहाँ रहती है। फिर उसने युवती को उसके घर ले जाने का प्रस्ताव रखा। युवती ने खुशी खुशी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ ही समय बाद ही उस आदमी ने विवाह का प्रस्ताव रखा। उसे हीरे की एक सुंदर अंगूठी दी और उससे कहा, मैंने बहुत कमाल का कोट देखा, उसे पहनकर तुम गजब की लगोगी। ये वही कोट था जिसे 3 महीने पहले उसने दिल से चाहा था।
सेल्समैन ने कहा कि 100 से भी ज्यादा दौलतमंद महिलाओं ने वो कोट देखा था, उसे पसंद भी बहुत किया था, लेकिन किसी कारण से हमेशा किसी दूसरे कोट को चुना था। चुनाव करने की अपनी क्षमता के जरिए उसकी हकीकत की कल्पना करें जिसे आपने चुना है। आस्था व लगन के जरिए आप जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। स्वर्ग की सारी दौलत यहीं आपके भीतर है और मुक्त होने का इंतजार कर रही है। शांति, खुशी, प्रेम, मार्गदर्शन, प्रेरणा, सद्भाव और समृद्धि सभी इसी समय मौजूद है। ईश्वर की दौलत को अभिव्यक्त करने के लिए आपको बस इतना करना है कि आप अभी के वर्तमान को छोड़ दें, मानसिक तस्वीर में दाखिल हों और एक सुखद खुशनुमा मनोदशा में अपने लक्ष्य के साथ एक हो जाएं। उच्च उल्लास के पलों में अपनी अच्छाई को देखने और महसूस करने के बाद आप जान जाते हैं कि कुछ ही समय में आप अपने लक्ष्य को वस्तुपरक तरीके से भी साकार होते देखेंगे। जैसा भीतर वैसा बाहर, जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसा स्वर्ग में वैसा धरती पर। दूसरे शब्दों में आप अपने विश्वासों को अभिव्यक्त होते देखेंगे। मनुष्य एक अभिव्यक्त विश्वास है।